क्या आपका कंसीलर आपके एग्जैक्ट शेड का होना चाहिए या एक दो शेड्स लाइटर। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट्स की सीक्वेंस क्या होती है। सबसे पहले हम लगाएंगे एक ऑरेंज कलर करेक्टर अगर हमारी अंडर आईज बहुत ही डार्क हो। अगर आपके अंडर आईज ज्यादा डार्क नहीं है तो आप कलर करेक्टर स्किप कर सकते हो। अब हम लगाएंगे एक कंसीलर अपने एग्जैक्ट शेड का ताकि हमारी अंडर आईज बाकी स्किन से मैच करे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे एक लाइटर कंसीलर ताकि हमारी अंडर आईज ब्राइट लगे। कुछ लोगों को ब्राइट अंडर आईज पसंद होती हैं, कुछ को नहीं होती हैं, तो ये ऑप्शनल स्टेप है। जो लाइटर कंसीलर होता है वो एक एडिशनल स्टेप होता है। आपका लाइटर कंसीलर आपके एग्जैक्ट शेड के कंसीलर को रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आपने ये नहीं यूज किया और सिर्फ ये यूज कर लिया तो आपकी अंडर आईज बहुत ही एशी और ग्रे लगेंगे। बेसिकली कंसील करने के लिए आपको अपना एग्जैक्ट शेड चाहिए और ब्राइटन करने के लिए आपको अपना एग्जैक्ट शेड प्लस लाइटर कंसीलर चाहिए। बट प्रैक्टिकली आप अपने एग्जैक्ट शेड के कंसीलर की जगह अपना एग्जैक्ट शेड का फाउंडेशन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि फाउंडेशन कंसीलर में ज्यादा फर्क होता नहीं है, ये बस थोड़ा ज्यादा कवरेज देता है, दैट्स ऑल। आप कलर करेक्टर लगाने के बाद सीधा अपना फाउंडेशन लगा सकते हो। यू कैन सी कि फाउंडेशन से भी मेरे डार्क सर्कल्स कंसील हो गए हैं। और अगर आपको ब्राइट अंडर आईज चाहिए तो आप सिर्फ एक लाइटर कंसीलर खरीदो जो आपकी स्किन से एक या दो शेड्स लाइटर हो। बेसिकली अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आपके पास एक अपने शेड का कंसीलर होना चाहिए। बट अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको वो पैसे नहीं खर्च करने, तो आप अपना फाउंडेशन भी यूज कर सकते हो एज अ कंसीलर। और अगर आपको उसके ऊपर से ब्राइटनिंग भी ट्राई करनी है तो उसके लिए आपको एक लाइटर कंसीलर चाहिए होगा। मेकअप इज ऑल अबाउट मेकिंग द बेस्ट ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी हैव। जस्ट स्पेंड योर मनी वाइजली एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।